अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और आज हाउ टू रैंक YouTube वीडियोस के सेकंड और लास्ट ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में YouTube की वीडियोस को रैंक करने के बारे में कुछ टिप्स दी थी और ट्यूब रैंक के बारे में बताया था कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप किस तरह अपनी वीडियोज़ को रैंक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग्स और उसके कुछ फीचर्स वगैरह रह गए थे। इसलिए मैंने ये सेकंड ट्यूटोरियल बनाया है कि ताकि जो ट्यूब रैंक के बाकी के फीचर्स हैं वो भी हम देखें, यानी कि ट्यूब रैंक के बारे में पूरी तरह यानी कि आप जान सकें। मैंने कोशिश तो यही की थी कि सब कुछ पहले ट्यूटोरियल में हो जाता, लेकिन पहला ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो गया था इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया। और अभी हम ट्यूब रैंक को ओपन करते हैं और इसके बाकी के फीचर्स देखते हैं। और मैंने पिछले ट्यूटोरियल में एक आपको सेटिंग बतानी थी, बेसिक चीज़, वो मैंने इसके बारे में नहीं बताई है, वो भी इस ट्यूटोरियल में बताता हूँ। तो आप जैसे ही ट्यूब रैंक ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग्स, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, इसको आपने इंग्लिश ही रहने देना है। अगर इंग्लिश नहीं है तो आप इंग्लिश कर दें। दूसरे नंबर पर है रीजन। रीजन से ये मुराद है कि आप किस यानी कि इलाके में, किस कंट्री में अपनी वीडियोस को रैंक करना चाहते हो, यानी कि उसकी जो आप एनालाइजिंग करना चाहते हो किस कंट्री के हिसाब से करना चाहते हो। तो इसमें पाकिस्तान तो है नहीं, तो आप इंडिया ही कर दें। इंडिया करने के बाद आप सेव कर देना। और अब हम बाकी के फीचर्स देख लेते हैं जो पिछले ट्यूटोरियल में रह गए थे। तो हम वही कीवर्ड लगाते हैं अपना, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग थोड़ा सा जो इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो यही लिखते जा रहे हैं हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने जो वीडियो डालनी है, जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी है, तो उस टॉपिक के मुताबिक आपने यहाँ पर कीवर्ड लिख कर वीडियो को एनालाइज करना होता है। मिसाल के तौर पर आपने वीडियो बनानी है हाउ टू रूट मोबाइल, तो आपने वही कीवर्ड लिखना है हाउ टू रूट मोबाइल और फिर उसको एनालाइज करना है। तो इसको हम एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही गो पे क्लिक किया तो हम इस पेज पे आ गए। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में डिफ़िकल्टी के बारे में देखा था कि डिफ़िकल्टी किस तरह कम की जाती है और आप उसमें किस तरह कीवर्ड लगा सकते हो और अपने ओरिजिनल कीवर्ड को आपने नहीं छोड़ना है, तो इस बारे में मैंने बताया था। और ये भी आपको बताया था कि किस तरह बताया जाता है कि आप ये मुतबादल कीवर्ड लिखें और डिफ़िकल्टी कम करें, तो वो भी मैंने आपको करके दिखाया था। अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो जाकर देख लें। और अभी हम इसका जो दूसरा फीचर है वो देखते हैं। तो दूसरा फीचर ये है कि एनालाइज है, ठीक है, ये हमने कर लिया था, कंपटीशन वगैरह कर लिया था हमने। दूसरा फीचर है एनालिसिस। तो एनालिसिस में ये आता है, तो आगे इसका अकाउंट सेटिंग आता है, अपलोडेड वीडियो आती है। अगर आप अपने चैनल इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसकी अकाउंट सेटिंग और अपलोडेड वीडियोस पे नहीं जाऊंगा, एनालिसिस पे ही काम करेंगे। तो एनालिसिस में होता क्या है कि यहाँ पर अपलोड न्यू वीडियो, ठीक है, तो यहाँ पर आपने वीडियो का टाइटल लिखना होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है और उसके बाद आपने टैग्स डालने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि गेट स्कोर पे क्लिक करना होता है, तो आपको ये स्कोर बताता है कि आप ये इसमें थोड़ी सी और तब्दीली करें और इसके स्कोर आप बढ़ाएँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यही कीवर्ड लिख देता हूँ, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज़, ओके, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने करना क्या है, गेट स्कोर पे क्लिक करना है। हमारे पास इसके जो 37% स्कोर है, इसी तरह हम जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो स्कोर बढ़ते जाएंगे, जब टैग लगाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, जब हम टैग को चेंज करेंगे तो स्कोर बढ़ते जाएंगे, यानी कि जब 80% से ऊपर स्कोर जाते हैं तो ऐसा समझे कि हमारी पहले पेज पर वीडियो आ जाएगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऊपर वीडियोस खड़ी हैं, ठीक है, जो पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, तो आप यहाँ से भी डेटा ले सकते हैं। तो अगर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपने लिखें, और नीचे आप जाएं तो आपको यहाँ पर टैग भी दिए गए हैं
कि आप यहाँ से भी टैग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये पहले नंबर वाली वीडियो को एनालाइज करता हूँ और इसकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी करता हूँ। तो ये हो गया इसकी डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इधर डाल देता हूँ और अब गेट सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो 55% पे चला गया। इसी तरह अगर मैंने इसके टैग का करने हैं तो यहाँ पर ये टैग नहीं दिखा रहा, लेकिन आप टैग भी कर सकते हो इसके। तो टैग मैंने शायद इसके पहले से कॉपी किए थे और वही मैं इसमें लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टैग लगा देता हूँ। टैग लगाने के बाद मैंने फिर गेट स्कोर पे क्लिक किया तो देखो 79% हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन का बोला था कि आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड रखने होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो आर्टिकल लिखा था ये सारे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और हटाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब गेट स्कोर पे क्लिक किया, देखो 85% हो गया। तो इस डिस्क्रिप्शन में है क्या कि ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें तकरीबन 200-300 वर्ड और 6-7 बार हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस का जिक्र किया गया, यानी कि कीवर्ड लगाया गया, तो इसलिए ये 85% हो गया। अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर टाइटल है तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह इसने डाला हुआ, या टाइटल हम थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप गूगल एडवर्ड के ज़रिए यानी कि कीवर्ड निकालें वो भी इसके साथ लगाएं। तो अगर आपको गूगल एडवर्ड का नहीं पता, आपको यूज़ नहीं आता सही तरह से, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो इसमें मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज़ ऑन यूट्यूब फर्स्ट पेज, तो मैं ये लिख देता हूँ। लिखने के बाद हमने क्या करना है कि गेट स्कोर पे क्लिक करना है। अभी भी ये 85% है, ठीक है। तो मैंने टाइटल बनाया हुआ है तो मैं टाइटल यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और टाइटल बनाने के बाद गेट स्कोर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो 89% आ गया, यानी कि आपके पहले पेज पे, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर ये वीडियो रहेगी, यानी कि 10% कम है। तो इसका मतलब है कि पहले पेज पे ही आपकी वीडियो आ जाएगी, लेकिन याद रहे कि 2017 में जो इन्होंने चेंजिंग की है कि आपकी वीडियो को पहले 2-3 दिन एनालाइज करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि ये वीडियो कहाँ पर रखनी है कहाँ पर नहीं रखनी है, उसके बाद आपकी वीडियो को रैंक करते हैं, तो रैंकिंग देते हैं या उसको यानी कि पोजिशन देते हैं। तो इसका टाइटल आप अच्छी तरह से देख लें कि टाइटल मैंने क्या बनाया, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज़ ऑन यूट्यूब फर्स्ट पेज, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब SEO टिप्स जो हमने एडवर्ड से निकाली थी इन हिंदी उर्दू पार्ट 1, तो पार्ट 1 का हमने क्या करना है कि टाइटल ये देना है, इसी तरह 2 का भी इसी तरह दे देंगे। डिस्क्रिप्शन भी हमने कर लिया और टैग भी हमने कर लिया। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी वीडियोस को रैंक कर सकते हो और अपनी वीडियोस को सर्च रिजल्ट में ले आ सकते हो। इस तरह आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो और अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हो, और अगर आपके सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ेंगे तो लाजमी बात है कि आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ट्यूटोरियल बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे होंगे। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।